नमस्कार पिलामाने, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत है। पिलामाने आजकर जो क्लास है क्लास नंबर 6 क्लास रही जो ये आपनकर ओएसएससी एटीओ आईटी क्रैश कोर्स ये रहइबो सिलेबस वाइज डिस्कशन लो 6 नंबर क्लास या पर पांचटा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि। आपन माने सेतिर आपन कंप्यूटर एप्लीकेशन ता सहित आपनकर इंजीनियरिंग ड्राइंग रो क्लास अपलोडेड हे सारतिला, सेतिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रो मध्ये क्लास अपलोड अछि। तो आजिकार क्लास लास्ट क्लास रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रो 6 नंबर क्लास रे हमें समस्त विषय रे डिस्कशन करबा। ठीक अछि पिलाने, आगो को बढ़िया देखियो क्लास रे कोन अछि कंटेंट आ सिलेबस सहित जेन के हमें डिस्कशन कइ दउ। त आजिकार क्लास रे कोन कंटेंट रहिछ देखियो, चलंतु देखंतु आपनकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रे आपनर डिस्कशन सरीथला, इंग्लिश लिटरेसी सरीथला, आईटी लिटरेसी सरीथला, ता सहित मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस सरीथला, ता सहित आपनकर कस्टमर इंटरेक्शन आउ ता सहित आपनकर क्वालिटी मैनेजमेंट ए समस्त दिस फोकस पर जाइथला। ए समस्त आपनकर आलोचना सही जाइछि। आजकर डिस्कशन रे आपनकर रहबो ऑक्युपेशनल हेल्थ इज हेल्थ ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंट एजुकेशन एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस लेबर वेलफेयर और लेजिस्लेशन ता सहित तो आपनकर जो रहिबो प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क और रहिबो बिहेवियर स्किल। ये समस्त विषय आम ए वीडियो माध्यम से आलोचना करबा। ठीक है, वीडियो लेंथी रहिबो काहे कि ना गुटे सब्जेक्ट गुटे वीडियो रे आम सारिबा को चेष्टा करबा कोटा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को। ठीक अछि पिलाने, आगु को बढ़िबा देखियो क्लास रे कोन अछि। जो पिला माने आपन माने कमेंट रे जणौ चोंती जे सर क्लास काहे कि अपलोड हो नै, आपन को रेगुलर क्लास अपलोड करंतु। निश्चित भाव में रेगुलर क्लास नहीं के आसीबी आपन मानन को पाखो को, काहेकि ना ओएसएससी जेई रो छोड़ जाय कि 16 ले एग्जाम रहितला तें ताको पई टिके अधिक फोकस दैथिले। ठीक अछि, आपन को भी एग्जाम आपन को 26 रे अछि जोटा कि ता पई भी फोकस देबा। मु जेमते कहि रखि सिलेबस वाइज डिस्कशन आपन को कंप्लीट सरीबो, किछ असुविधा होबनी, क्लासेस कंटीन्यूअसली अपलोडेड हेबो। चलंतु बढ़िया क्लास रे फर्स्ट क्वेश्चन कोन देखिया। जेमते 98 क्वेश्चन आपन को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेते आपन डिस्कशन हेइ छतिला, तो 99 क्वेश्चन लो आमे आरंभ करबा। एथिरे आपनकर प्रथम रहिबो ऑक्युपेशनल सेफ्टी रे कोन कोन रहउछि देखंतु। ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट एजुकेशन जेडकि ओएसएच डबल ई बी कह जाइथाय, एटाकु मन रखिते यार भी क्वेश्चन पचारि पारे, एटा मु कहि पार जेडा कि आपनकर फुल फॉर्म बा एब्रिविएशन रो क्वेश्चन आसी पारे। ठीक अछि पिलाने, ता सहित 99 नंबर क्वेश्चन पचारला प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट डेंजर रिस्क हजार्ड और डैमेज इज कॉल्ड आपनकर कोन कह जाय। ए समस्त दिन सब जदि आमे एक्सीडेंट रु प्रोटेक्शन करचे कोनसी डेंजर बा रिस्क बा हजार्ड जदि कोनसी दिन सब डैमेज होबारु ए सब प्रोटेक्ट करबा को आमे कोन कहिथौ ऑक्युपेशनल सेफ्टी। मने कहतिबे एही जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन जीबा, परवर्ती क्वेश्चन पचला लाउड नॉइज इज बेस्ट टाइप ऑफ ऑक्युपेशनल हजार्ड। तो लाउड नॉइज टा आपनकर जोडा कि जोर रे शब्द हुए जोर रे जो पढाड़ होउची एटा कोन प्रकार हजार्ड जायते ये होची आपनकर फिजिकल हजार्ड एही जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देला पीपी स्टैंड्स पर हला पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एटा आपनकर पीपी हे जबो तार फुल एब्रिविएशन ए आल्सो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा, परवर्ती क्वेश्चन ले ओके रिपीटेड क्वेश्चन हे छाड़ दियंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देला डेस प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड्स। तो कौन आमको प्रोटेक्ट करिथाय जो आम हाथ को कौन कहे जल्दू काटर कौन सर हार्मफुल लिक्विड्स रु हाथ को बचे कौन यूज करें यूज कर ग्लोवस यूज कर गोटे कथ कही रखी पे आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा इंग्लीश लिटरेसी होगा ये समस्त जो क्वेश्चन टी आस ना आपंकर ये क्वेश्चन ओनली ना हिंदी इंग्लीश रे उड़िया को आप बुझीपाले आंसर को सल्व करेंगे कहीं आईटीआई रे किसी टॉप क्वेश्चन आसे ना इजी इजी क्वेश्चन आसो और मेन रे भी इजी क्वेश्चन आसो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रे भी आपको किसी टॉप क्वेश्चन ना। ठीक अच्छे पे तेनालीराम क्वेश्चन लो इंग्लिश टाकु उड़िया रे जोड़ा कि आप बुझुवा दरकार ट्रांसलेट कर दरकार आंसर ठीक ठाक मारिक आसपर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। क्वेश्चन कौन अच्छी हाइजीन रिलेटेड हजार्ड्स आर कॉज्ड बाय आपंकर जो हाइजीन टा आम कौन हजार्ड सहित रिलेटेड अच्छी कारण कौन होता है आपको जानवा दरकार। तो हाइजीन टा आपंकर फॉल्स, ठीक अच्छे पे फल्स सहित रिलेटेड था आपको जो फल मान कौन हम फल मान जो पड़ जाती सीढ़ी पड़ जाती कौन से जोटा कि टेबल वर्क कर हाइट रे वर्क कर पड़ जाक आम क्या कहते ना हाइजीन रिलेटेड हजार भितर जाए। परवर्त क्वेश्चन देला सेप्टिक टैंक माइन मैन होल स्टोरेज टावर वेसल्स टनल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड आपको ये सब जिनस को आम कौन कही था जैसे सेफ्टी टैंक होगा कौन से प्रकार माइन्स एरिया होगा मेन होल मैंने गटर जोटा कि काम करती भितर जा स्टोरेज टावर होगा वेसल्स टनल होगा ये समस्त जिनको आम कौन कही था कनफाइंड प्लेस कनफाइंड स्पेस कनफाइंड प्लेस मानने तार सब आड़े आप भर्ती मानने चारिपाखे कौन हो कवर होती तेरे गोटे जगार आप जोटा कि एक्जिट पॉइंट थाए तार इमरजेंसी पॉइंट कौन सी ना से आपले भी कौन ना ऑक्सीजन लेवल कम थाए से लोक मरबार भी चांसेस थाए कनफाइंड स्पेस कह जाए जितने आप इंडस्ट्रियल काम करेंगे ना कनफाइंड स्पेस वैल्यू आपको बहुत आसो अंडरग्राउंड काम कला बेले कौन से गटर काम कर टनल काम कर सब जगह काम कला बेले कनफाइंड स्पेस जोटा कि इंपोर्टेंस आसो से आपको ऑक्सीजन लेवल कम थाए ऑक्सीजन नहीं कि जाती किसी
ଯାଏ ନହେଲେ ତାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ଦ ହେଲ୍ପ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଏ ସିକ୍ ଅର୍ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ୍ ହେଲ୍ପ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିକ୍ ପର୍ସନ୍ ବା ଇଞ୍ଜର୍ଡ ପର୍ସନ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କହିଥାଉ ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ଆପଣ ଘରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଟା ହେଇଗଲା ପୋଡ଼ିଗଲା କୌଣସି ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ମତଲବ ଛିଲିଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୋଉଠି ବଡ଼ ଧରଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ୍ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢ଼ିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ତା ସହିତ ଦେଲା ଡେସ୍ କଜେସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟୁ ୱାର୍କର ହ୍ୱେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ମାଟେରିଆଲ୍ କମ୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ୱାର୍କର ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ ବା ପିସ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସହିତ ବା ମାଟେରିଆଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥାଏ ଏସବୁ ଇଞ୍ଜୁରୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଫିଜିକାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଫିଜିକାଲ୍ ହାଜାର୍ଡର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବ କହିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସେସ୍ ଫଙ୍ଗି ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଆନିମଲ୍ ବାଇଟ୍ସ ପଏଜନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଷ୍ଟ କନ୍ କେନ୍ କଜେସ୍ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ହାଜାର୍ଡକୁ ଯୋଉଟାକି ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆସିଥିଲା ଏବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମହାମାରୀ ଫେଲି ଯାଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତାକ ରୋଗ ହୋଇଯିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉଟାକି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହାଜାର୍ଡ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହିଯାଇଥାଏ ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ହେଉଛି ବା ଆନିମଲ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ଯଦି ପଚିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିମାରୀ ଫେଲୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହାଜାର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ମାନେ ମନେ କଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରେସର ଏଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କାମଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କର ଏଇଟା ଏମିତିକା ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତିଆ ଭଲ ହେଲାନି ତ ଏମିତିରେ କ୍ରାକେସ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମଡିଫିକେସନ ହେଇଗଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବା କନଫ୍ଲିକ୍ସନ ହେଉଛି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହାଜାର୍ଡକୁ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ହାଜାର୍ଡ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଜାର୍ଡ ସେ ଯାଇଥାଏ ୟାକୁ ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହାଜାର୍ଡ କହିଥାଉ ମନେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଇଂଲିଶର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିକି ଆସିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା କ'ଣ ଓକେ ରିପୁଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଉଡ଼ାଇ ଗଲାଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଇଟିନିଂ ରାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଲେସ୍ ନଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ୍ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ଦିନରେ ବି ଲାଇଟିଂ ଭଲ ହେଉଛି ତ ରାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ହେଉଛି ଲେସ୍ ନଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲାଗିବ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ହେଇଯିବ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବଲ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବଢିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଡେସ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏନି କ୍ରୋନିକ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଅର୍ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଉଟାକି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଯୋଉ ଗୃହରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୋନିକ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ତ ସେଟା ଆମେ କାହାକୁ ରେଫର କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ରିଫର କରିଥାଉ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଡିଜିଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ଡେସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବୋଥ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେସିନ୍ ତ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ବୋଥ୍ ୟୁଜର୍କୁ ଯୋଉ ଆଉ ମେସିନ୍କୁ ମେସିନ୍ରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ୟୁଜର୍ କହିବା ଆଉ ମେସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ମେସିନ୍ ଗାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ତା ସହିତ ମେସିନ୍ର ୟୁଜର୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ମେସିନ୍ ଗାର୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଅଟୋମେଟିକାଲି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଗାର୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାୱାର କୌଣସି ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ହେଇଗଲା ଲୋ ହେଇଗଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଗଲା ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାୱାର କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ପାୱାର ଯଦି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ କାହା ସହିତ ହବ କାହା ସହିତ ଯୋଗୁଁ ହବ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଗାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଲକିଂ କରାଯାଇଥାଏ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଗାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ପାୱାରଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ବି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଓଜନ୍ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଥ୍ ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ସେ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେ ଓଜନ୍ର ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ତ ସେଟା କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବା କୋଉ ଲେୟର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୋଉ ଲେୟର ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟର୍ ଲେୟର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା
when we follow 3 hours, 3 hours आपनकर पुरपुर मु जोंटा वीडियो आपन पढैतिल 3 hours जोंटा के आपन रीयूज रीसाइकल आउ ता सहित आपन 3 hours जोंटा के फुल फॉर्म सेट पढैतिल ठीक अछि पिला माने तो 3 hour मेथड आर डे टू डे जोंटा की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कांट कंट्रोल द यूज ऑफ आपनकर कोन आपन जदि 3 hour मेथड आपन व्यवहार करछन 3 hour मेथड को ताले हम डे टू डे लाइफ रे पर्सनल होबा प्रोफेशनल लाइफ रे कौटा को आम यूज करोल करचुराल रिसोर्सेस ठीक अच्छे पे आम कंट्रोल करचुराल रिसोर्स को जोटा कि प्राकृतिक जोटा कि जैव पदार्थ रही जहाँ भी रिसोर्सेस एवेलेबल होती ठीक अच्छे पे आप डेली टू डेली लाइफ में कंट्रोल भाव में यूज करवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन कौन देगा परवर्त क्वेश्चन आप आसाला क्या इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोटा इसेनसीआल स्किल क्वेश्चन आपको इसेनसीआल स्किल क्वेश्चन आम पढ़ा तो ये हुई द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी यदि आपंकर कौटा आपर आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर न था सी आपर ओपिनियन ठीक अच्छे ये आपको आइडेंटिटी को ही नब वैल्यू आप कौन वैल्यू अच्छी सहित आप लाइफ कौन करते सब आप निजर आइडेंटिटी को दर्शाऊँ कि मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम तो यहाँ आप आइडेंटिटी को केवे भी दर्शाए ना आपने डी उत्तर मारिक आसेंगे निश्चित भाव में ना भूल होती सब जिस मार्च परवर्त क्वेश्चन जी डेज आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हाव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर तो आपखे कौन थी दरकार आप एबिलिटी क्वालिटी को जोटा कि दर्शेब जोटा कि आपको हेल्प कर लाइफ रे जीवन रे कैरियर रे ग्रोथ करने ग्रो करने भल भाव ग्रो करने आपर कौन होगा दरकार पर्सनल स्ट्रेंथ पर्सनल विकनेस अपॉर्चुनिटीज या थ्रेड्स दैट मीन्स आपको एनसर आपको पर्सनल स्ट्रेंथ जो आप पर्सनल स्ट्रेंथ अच्छे कन्फिडेंट अच्छे सेल्फ कन्फिडेंस अच्छी आपर एम अच्छी जो ओएसएससी एटीओ आईटीआई क्रॉस कोर्स को पढ़ी आउस तो मेन एग्जाम को लेखे करके जैसे एटीओ हे ठीक अच्छे आईटीआई रे एटीओ हेबी ठीक अच्छे ताहले निश्चित भाव आप कैरियर और ग्रोथ निश्चित भाव में हम परवर्त क्वेश्चन बढ़िया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल विकनेस तो पर्सनल विकनेस गोटे एग्जांपल कौटा हो कॉन्फिडेंसटा तो नुहे निश्चित भाव में आपर बिंग लेजी जोटा कि अलसुआ हाँ आपर गोटे पर्सनल विकनेस परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन दिला व्हिच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस तो गुड स्ट्रेस रोटे साइन कौटा स्ट्रेस होती आप बेड स्ट्रेस थाए गए गुड स्ट्रेस थाए तो आप प्रकार स्ट्रेस होती तार साइन कौन थाए से आपको पचारा जो आप भल स्ट्रेस रही है भल स्ट्रेस आम क्या कह डज नॉट लीड टू लॉन्ग टेंशन आप लॉन्ग टर्म टेंशन किसी नौ ना लॉस ऑफ स्लीप कौन से प्रकार निद्रा आप जोटा कि 4 घंटा शुवार था 8 घंटा शुवार था कि आपठ कम शु ना ठीक अच्छे निद्रे कौन से प्रकार भंग हो निश्चित भाव में आपको जितना सफिसीयंट शुवा दरकार स्लीपिंग आप निद हो दैट इज द गुड स्ट्रेस रईन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जा परवर्त क्वेश्चन कौन देगा व्हाट इज द व्हिच ऑफ द दिस इज ए साइन ऑफ बेड स्ट्रेस तो यूर कौटा गोटे हूँ बेड स्ट्रेस रईन ये आपको प्रिभेन्ट्स यू फ्रॉम परस्यूइंग योर गोल्स मेक्स यू फिल फिजिकली इल और पेन एंड मेक्स यू डाउट योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट ए गिवन टास्क ऑल ऑफ द अबव आपको उत्तर हो समस्त जिन जोटा कि गोटे बेड स्ट्रेस एग्जांपल हो ठीक अच्छे मैंने सब जिन पॉइंट हूँ बेड स्ट्रेस साइन सिंबल परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देला एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर तो आपको कहला कौन से एक्टिविटी आपको बंद करदे आपको कम करदे स्ट्रेस जो आम कौन कहते स्ट्रेस बस्टर तो स्ट्रेस बस्टर कौन प्रकार स्ट्रेस बस्टर आपको कौन कही था जिते बड़े कौन जिस को आम स्ट्रेस बस्टर कहे कह जोटा कि स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम जदि आपर कौन गोटे प्रॉब्लम होती बहुत दिन पर्यटन तहार विषय भावुँच तहार विषय में बसिक भाभी भाभी आप समय नष्ट करते आपर आग को कैरियर को बढ़ुना से अटक रही जोटा कि आजिकल की पाला रोचे दिस इज द लव एफेयर लव एफेयर कौन हो पाने ब्रेकअप होगा तो बसिक से कौन होती भावुँच कौन करी कौन है सी आज जो छाते चलीगला वगैरह वगैरह विभिन्न जिससे बहुत समय नष्ट कर ठीक अच्छे बहुत लॉन्ग टाइम आप स्पेंड कर जो हुआ सो हुआ कहते हैं ना जहां है तो आप छाड़ू नेक्स्ट आपर स्टेज को आगे बढ़ी जब सी सामना वाला जो करते आप कहीं करेंगे निश्चित भाव में दिस इज द पॉइंट आप स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट एनी प्रॉब्लम आप लव प्रॉब्लम नुहे किसी भी प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस इज इन एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस रे को प्रकार स्टेप ता होची जोडा को सबटु आवश्यक सेटा हिजु आपनकर गेटर करंतु आ एनालाइज करंतु
आपण मन के डाटा गुडा को कोन करतु ना डाटा को गेदर कले एकट्ठा कले तापर एनालाइज करतु ए सब दिनसे कोन चेंजेस हे परबो कोन प्रॉब्लम अछि कोन इंप्रूवमेंट दरकार ए सब दिनसे को आपण एनालाइज करतु निश्चित आपण एटा उठे होचि रहि जीवो प्रॉब्लम सॉल्विंग रो उडे एसेंशियल पार्ट परत क्वेश्चन जीवा परत क्वेश्चन देला which of this should be considered while making decision jetara apan kon se prakar decision nouchanti tahale sabutu adhika jada ki consider karajibo uchit seta kon hobo apankar personal priorities thik achi pala apankar personal priorities ko apan mood pod ebe sab din se hobani d je uttar to apan priority kahaku douchanti ko din se pra priority achi ko din se ko apankar define karuchanti this is the important part while making a decision thik achi pala mane apan d je uttar parvati question jiba parvati question dela which of this is the full form of SWOT SWOT ra apan ko full form pachala apan ko full form hoijibo jeuta ki strength weakness opportunity threat this is the correct full form of the SWOT SWOT ra full form mane kitbe important rahibo strength weakness opportunity threat next question padhiba next question dela pila mane decision based on your personal priorities lead to apan ko jeuta ki personal priority anusare decision ko base hoita tahale ame taku kahiba wise negotiation because ya purbaru jo question ta pasi gasi padi kasile kon pasela je apan kon se kara decision hochun tahale kon ta lead karibo seti hela personal priorities apan uttar padi kasile ki eti dekho question hi answer achi je decision based on your personal priorities eta lead karibo wise negotiation ko jeuta ki buddhi manira kam hoi raibo apan ko bis jo uttar parvati question jiba parvati question dela this is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities jetara apan kon se specific activity time hoche kare kaam korchanti di prakar activity diai chi to di ta specify korchi e activity re etika samay debe e activity re etika samay debe e somosto samay ko divide koribe e somosto jinso koriba organize koriba planning koriba ethire etika time debi ethire etika time debi ei jagare apan etika rest koribe ethire etika time rest koribe e sob jinso ko plan korchanti organize korchanti e process kon kahe je ame yaku kahiba kon time management सिंपल यही जो सूत्र टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट आपण माने कोन से प्रकार हैबिट छाड़ीबा भी चाहौ छथि कोन से प्रकार हैबिट अपनेबा भी चाहौ छथि ताहाले आपण मानको कोन करिया कोबो सेही हैबिट टू जोटा कि आपण को 21 दिन पर्यंत दुरे कि रहिया पड़िबो बा सेही हैबिट को आपण 21 दिन पर्यंत प्रैक्टिस रे करतु निश्चित आपण हैबिचुअल हेजबे दिस इज द पॉइंट सी आपण को उत्तर हेजबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द थ्री स्टेज ऑफ मनी मैनेजमेंट आर सेविंग इन्वेस्टिंग एंड डेट आपण को मनी मैनेजमेंट रो तीन टा स्टेज थाए गोटे सेविंग करेंगे गोटे इन्वेस्टिंग करेंगे आउ गोटे कौन होता है आप सेविंग करदे इनभेस्ट भी करदे आउ गोटे रही आप एक्सपेंडिचर खर्चा तो आसी ना ये आप उत्तर परवर्त क्वेश्चन जीवा परवर्त क्वेश्चन देला द इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब इज कॉल्ड जदि आप माने आपको इंटेंशन रही गोटे भल वन प्लेस जॉब रिक्वायर करछंती तो भल जॉब को जवाब चाहूंती किंतु एबे गोटे जॉब रे छथि तो ए जॉब रो आउट जॉब को जते बेटर जॉब को जाउछंती ताको हम कोन कहिथाउ माइग्रेशन दिस वर्ड विल बी रिमेंबर इंपोर्टेंट वर्ड माइग्रेशन ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परवर्त क्वेश्चन कोन देला व्हाट इज कंफर्ट जोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने कंफर्ट जोन हमें कहा कोई दो कंफर्ट जोन अपन एसी रे बसियो को अपन कंफर्ट जोन कहा जानी कंफर्ट जोन हला आवर फैमिलियर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कंफर्ट जोन अपन को बिहेवियर आउ अपन को फैमिलियर लाइफस्टाइल ता ही अपन को कंफर्ट जोन हे ही आसी थाए ठीक अछि पिला माने दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट कंपल्सरली फॉर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल जदि आप अंतर्जातीय भ्रमण करजनेस टूर जाऊँच ट्रैवलिंग रे भी जाऊँगी आपर इंटरनेशनल ट्रैवल कौ जिनटा कंपलसरी नुहे पासपोर्ट कंपलसरी वीजा भी कंपलसरी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी दरकार किंतु इलेक्ट्रिक बिल इज नॉट कंपलसरी ठीक है पाला डी आपको उत्तर हो परवर्ती क्वेश्चन जी देखिए परवर्ती आपको आसला लेबर लॉ ठीक है पाला जमीन एम्प्लॉयमेंट स्किल लेबर लॉ लेजिस्लेशन थी तो तार विषय में आलोचना करवा The Factories Act ensures to regulate the working condition of workers in the factory, which may be an objective of Factory Act. So, आपन मान करो, कोला Factory Act रे आपन करो कौन कुरा जाय छी? Ensure करै छी जे आपन 8 घंटा काम करिवे, सप्ताह रे आपन 6 दिन काम करियो, गुटे दिन छुट्टी नेबे. ए सब दिन से जो एक्टिविटी कराय छी, ए जो एक्ट सब बनाय छी, नियम बनाय छी, ए कहा को कोन Factory Act को ऑब्जेक्टिव को मेंशन कराय छी? ये रहि जबो टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री. आपन को जोटा की आपको वर्कर जोटा की हेल्थ कंडीशन को ठीक रखा प्रोटेक्ट करने एक्ट सब बनाई ठीक अच्छे पे आप बार बार घंटा सब दिन काम करस सारा छुट्टी नौना निश्चित आप हेल्थ वर्क बिगड़ब निश्चित आपने मशीनरी कौन सी प्रकार दुर्घटना घटव आपंकर भी दुर्घटना घटिपे आउ जो प्रडक्टर भी किसी नुकसान हो पाए परवर्त क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देखा
which of the following is not a part of employee rights? So employee jodi ki rights ro gote part ko term entertainment promotion paibe safety paibe bonus paibe but entertainment is not the part of employee rights. Next question bol jo parabart question dela the minimum age qualification for apprenticeship training apan ko apprenticeship training pai minimum qualification age hejo apan ko jota ki 14 barsha mane khatibe. Next question dela dash is defined as the remuneration by way of salary allowances or payment for the work done jodi apan jo kon se prakar kaam karuchanti tar remuneration diya jibo revenue diya jibo ta se revenue ko apan ko ko prakar diya jaitai salary by allowances bhabar diya jaitai by payment diya jaitai taku ame kon koitau taku ame wage koitau wages koha jaitai b apan ko uttar hejibo poroti question dela one problem regarding wages in the indian social system is the dash in india apan ko bharatiya jota ki samajik system re kon chha social system re kon chha na रिगार्डिंग वेजेस जोटा कि आप वेजेस को लेकिन सैलरी को लेकिन गोटे प्रोब्लम किया कौन प्रोब्लम कौन कही था जेंडर गैप गैप ठीक है पे जेंडर पे गैप आप उत्तर ए हो परवर्त क्वेश्चन जी एक्सपानसन अफ पोस इज आप पोस एक्ट आप बहुत इंपोर्टाट पोस एक्ट आप बेसिकली वुमेन लेडीज कैटेगरी फिट भेटी तो आप पोसटा कौन पोस हूँ प्रिभेन्टेसन अफ सेक्सुअल हरासमेंट मन कहते प्रिभेन्टेसन अफ सेक्सुअल हरासमेंट दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आपको पोस परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जाओ परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू द पोस एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट इनक्लूड्स आप सेक्सुअल हरासमेंट पोस एक्ट रे कहा सहित इनक्लूड था ये समस्त जिनस को अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर रेगुलर एंड अननेसेसरी कमेंट्स अनवेलकम टचिंग ये समस्त जिनस इनक्लूडेड रही जोटा कि पोस एक्ट मध्यम या सहित आपको बहुत जबरदस्त जोरीमाना सहित आपको इंप्रेजमेंट भी हो पार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन द फास्ट स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट आपंकर फास्ट स्टेप है सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करने तो फास्ट स्टेप कौन रही है जो आप सामाजिक सुरक्षा को प्रोटेक्ट कर फास्ट स्टेप आपको रही है जे दोज हु कैंट प्रोटेक्ट देम से आप क्या हेल्प करेंगे प्रोटेक्ट करते जो मैंने निजी प्रोटेक्ट कर पार्टी प्रोटेक्ट कर पार्टी आप प्रोटेक्ट करते दिस इज द फास्ट स्टेप ठीक है बोला नेक्स्ट क्वेश्चन जी पर क्वेश्चन देला लेबर लॉज हेल्प द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द आपर लेबर लॉ गुडाक इम्प्रूव हेल्प करता है एम्प्लॉइज कर जे तांकर सोशल स्टेटस को बढ़े आ बूस्ट कर कौन तार मोराल को ठीक अच्छे मैंने तार मोरालिटी को डेवलप करता है बुस्टिंग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला नेक्स्ट क्वेश्चन देला पिला मैंने इम्प्लॉयमेंट स्किल एंड प्रिपेरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क रो आम क्वेश्चन पढ़ा तो ये देला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी तो आपर कैरियर जर्नी अर्थ आप मल्टीपल जब आप जब छाड़ी आउ गए जब गले पुणी से जब्रु आ गए डेवलप जब मिला ताधिक आउ जब मिला यह सब कौन कह जाए कैरियर जर्नी भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज ए कैरियर कार्ड और कैरियर पाथवे पोस्टर आपू कैरियर जाऊँ कैरियर कार्ड व कैरियर पाथवे पोस्टर आम क्या कहते हैं इट इज ए कंसोलिडेशन ऑफ इनफॉरमेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कैरियर इन वन प्लेस आपर जोटा कि पर्टिकुलर प्लेस रे काम करते सेठी आप कौन आप टेक्नीशियन जॉइन कले इंजीनियर हेले सीनियर टेक्नीशियन हेले जूनियर इंजीनियर इंजीनियर ए समस्त जो पथ करियर फॉलो कर गले डायरेक्टर हो गले ये सब जिन जो गोटे इनफॉरमेशन स्पेसिफाइड प्लेस रे जॉब करके सब इनफॉरमेशन पर्टिकुलर कैरियर को गेन करते दिस इज द कॉल्ड कैरियर कार्ड और कैरियर पाथवे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन कौन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब तो कौटा आप ट्विटर टा आप सोशल मीडिया जोटा कि आप साइट बट इट इज नॉट ए जोटा कि फाइंडिंग जॉब साइट नेक्स्ट क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देला व्हाई इज इट इंपोर्टेंट टू अलाइंग योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज टू द वर्क दैट यू डू आपने कमटा करबिलिटी आउ इंटरेस्ट अलाइन करने कौटा इंपोर्टेंट रही है आपको कौटा इंपोर्टेंट रही है ये समस्त जिन ऑल ऑफ द अबव रही है इट हेल्प्स टू रियली हैप्पी एंड सक्सेसफुल इट हेल्प्स टू एंजॉय करियर मोर एंड इट हेल्प्स टू फील मोर सैटिस्फाइड ये समस्त जिन ऑल ऑफ द अबव आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देला व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर स्मार्ट गोल स्मार्ट गोल रे आपको एम रो फुल फॉर्म हो मेजरेबल मन कहते इंपोर्टेंट रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देला इनफॉरमेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स इन रिज्यूम रिज्यूम रे आपण माने जो इसे मेंशन करथ थे डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस ये सब फॉर्म जो मेंशन करथ थे आमे सेटा को प्रकार इनफॉरमेशन मेंशन करथ ताको हिजो आपण कर पर्सनल डिटेल्स से जाइते ठीक है माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चूज द साइन ऑफ ए फेक जॉब पोस्टिंग तो फेक जॉब पोस्टिंग रे आपण को साइन कोन होइबो जॉब पोस्टिंग विथ अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन यदि क्लियर नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन ताले सेटा अनक्लियर रहिछि ताले सेटा गुटे प्रकार फेक जॉब पोस्टिंग होइबो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा When an interviewer
ଆସ୍କ ୟୁ ଟୁ ଟେଲ୍ ମୋର ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କହୁଛି ଯେ ତମେ ତମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହବିଜ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ସେୟାର କରିଥାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଇମ୍ପ୍ଲୋବିଲିଟି ସ୍କିଲ୍ର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖା ହେବ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଆସିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଏବଂ ବାଏ ବାଏ।